മൂന്ന് ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യല हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमी एंड मामा व्लॉग। तो आज आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे बहुत सारे सनफ्लावर्स। तो मैं आज कहाँ आई हूँ पूरे व्लॉग में बने रहिएगा और पूरे व्लॉग में देखिएगा कि मैं कहाँ आई हूँ और ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ सनफ्लावर्स ही। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। हम लोग 7:30 यहाँ पे पहुँचे थे और इतना प्यारा व्यू था। और ये देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी ना सिर्फ ग्रीन 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 नज़र आएगा आपको। बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहा है। और पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को इस चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक। और ये किसने बनाया है, किसका ये फॉर्म है, या किसने ये स्टार्ट किया था ये फील्ड बनाना सनफ्लावर का, इनिशिएटिव लिया, उनका पूरा इंटरव्यू इस चैनल में अभी आपको, मतलब मेरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मॉर्निंग के 7:30 का टाइम है और हल्का हल्का सा ना ये फॉग भी आया हुआ है, दिख रहा होगा आपको दूर से, मतलब जो कोहरा होता है ना, हल्का हल्का कोहरा भी है। और ये हम बस पहुंचने वाले हैं, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह, बस हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, मतलब हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है ये जगह। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये हम पहुंच गए हैं। ये इसका एक वाइड व्यू है, अभी मैं इसका एक एक डिटेल व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो में ही आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन है, ये पूरा खेत है। एक्चुअली यहाँ पे खेती होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया या फिर कुछ वेजिटेबल्स की होती है, कुछ फ्रूट्स की होती है। बट यहाँ पर अभी स्पेशली जो लोगों का अट्रैक्शन है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हुई है, फर्स्ट टाइम ही हुई है ये, जहाँ तक मेरा जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर ना सनफ्लावर की खेती हुई है। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के जो फूल होते हैं ना, वो केरला में जनरली नहीं मिलते हैं देखने के लिए, ये हिल स्टेशन वाली जगह पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भाई हैं, मैं आगे उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आप लोगों के साथ। तो उन्होंने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेके पूरे अपने खर्चे से लेके, मतलब सारा खर्चा उन्होंने किया और यहाँ पे ना इस तरह का एक बड़ा सनफ्लावर फील्ड उन्होंने बनाया है। मतलब इसको बनाने में कितनी मेहनत, कितना टाइम लगा होगा, कितना डेडिकेटेड इंसान होगा वो जिसने ये किया है, विदाउट एनी, है ना, किसी भी लालच के बिना। और यहाँ पर लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं और इतने भरमार में आते हैं, इतने ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि ये एक डेड स्पेस था। डेड स्पेस मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को आना जाना नहीं होता था, बहुत ही रेयर लोगों को पता है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे खेती वेती होती है तो ज़्यादा लोग ऐसे आते नहीं हैं और स्पेशली लेडीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ आने का। ठीक है, तो लेकिन जब से ये खेती यहाँ पे हुई है, सनफ्लावर का ये जो फ्लावर्स यहाँ पर आए हैं, ये बने, तब से यहाँ पर विजिटर्स की ना बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया है। ठीक है, तो और वो सब लोग आते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं, मैंने भी वीडियो बनाई, कोई 1 रुपये का भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, सब कुछ उन्होंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ उनके अपने पैसे से। ठीक है, और ये हमारी मीमी, मीमी ने आज पहना वाइट कलर का काफ्तान, ये मैंने इसका डिज़ाइन किया था मीमी का काफ्तान, और इसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, डिटेल बाद में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि इस लोकेशन के लिए ये परफेक्ट उसका ड्रेस होगा, वाइट येल्लो ग्रीन के साथ जो वाइट काफ्तान है तो परफेक्ट लगेगा। और ये मैं हूँ, मैंने भी अपना ही शबनम्स हैंडमेड विद लव का जो मेरा ब्रांड है उसी का डिज़ाइनर आउटफिट पहना है, ये चीता प्रिंट का है। और ये आउटफिट आप लोगों ने मेरा देखा भी होगा, मैंने मीमी के बर्थडे में ये पहना था। अब रील के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए और शॉर्ट्स के लिए कुछ मेरे वीडियो शूट्स चल रहे हैं, और मतलब इतना ब्यूटीफुल था ना, ये मेरी मदर इन लॉ हैं, ये मीमी हैं, ये लोग पोज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और मीमी को मैंने हेयर बैंड लगा दिया था, तो पता नहीं कितनी देर पहनेगी, मैंने क्या जल्दी से इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और सनफ्लावर मतलब नेचुरल, इसको बुक्स में देखना, पिक्चर्स में देखना या ऐसे देखना तो कितना अच्छा लगता है, और रियल में सोचिए कि आपको कैसा ही लग रहा होगा, कितना ही अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है, यहाँ पे मैं कैप लेकर आई थी क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और तो मैं ये उससे बचने के लिए लेकर आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, और साथ में ये हमारी मीमी, मीमी को भी मैंने कैप पहना दी और वो भी बहुत कम्फर्टेबली इसको पहन के चल रही थी, एंड शी इज़ लुकिंग सो
सो सो सो क्यूट। आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका आउटफिट भी मुझे ना बहुत ही क्यूट लग रहा है ये, और ये मेरा डिज़ाइनर आउटफिट है, मैंने डिज़ाइन किया था मिमी के लिए, तो बहुत ही क्यूट लग रही है और बहुत इंजॉय कर रही थी ये अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ना बहुत इंजॉय कर रही थी, इसको अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा था क्योंकि अनइवन स्पेस था चलने का, ज़मीन जो थी वो बहुत अनइवन थी, लेकिन ये रुक नहीं रही थी। अगर हम इसको गोदी में लेना चाह रहे थे ना तो ये नहीं आ रही थी, इसको बस चलना था। और ये मेरी रील बन रही है, तो आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मतलब हमारा तो ना यहाँ जाके दिल खुश हो गया था। अब इनकी बात सुन लेते हैं, ये हैं जी यहाँ के क्रिएटर। വർഷം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യല് തണ്ണിമത്തനാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ഈ തണ്ണിമത്തലിൽ വരുന്ന ശത്രുകീടങ്ങളും മിത്രകീടങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു വൈബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ഇരിക്കാനൊരു ഏർമാടും ഇതുമാണ് ചെയ്തത്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ആളുകൾ വന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഇന്നലെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 1000-ന്റെ മുകളിൽ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ വൈകിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ഏരിയ ഈ വർഷം തന്നെ ഇപ്പോൾ വിത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. इन्होंने मलयालम में जो बोला, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को तो समझ नहीं आएगा जो हिंदी वाले हैं, जो नॉर्थ इंडियंस हैं या जो दिल्ली से ये व्लॉग देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से ये व्लॉग देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो अपना बता रहे कि मतलब उनका इंटरेस्ट कितना है फार्मिंग में, और बिना किसी एक रुपये के सपोर्ट के, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, उन्होंने अपने पैसे से ही सारी खेती की है, और मतलब उनका डेडिकेशन है, उनका पैशन है ये, जो हमें दिख भी रहा है। और बिना किसी पैसे के, बिना कोई टिकट मनी के भी, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं है, बंदे लोग यहाँ आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते, वीडियो करवाते हैं। और इन्होंने इस तरह से ना एक हट बनाई हुई है यहाँ पे, तो ये एक सिटिंग स्पेस है, जावेद इसके ऊपर चढ़ गए थे, और यहाँ से इसका व्यू और भी मज़ेदार होता है। ये देखिए, ये ऊपर से व्यू लिया है यहाँ से, और ये मैं और मिमी जा रहे हैं वॉक करके, और ऊपर से तो एकदम पूरा वाइड व्यू मिलता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना। ये पूरा स्पेस खेती के लिए होता है। और यहाँ पे ना दूसरी जगह, अभी हम थोड़े सा आगे चलेंगे, वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे ना वाटरमेलन की खेती हुई हुई है, और भिंडी जिसे लेडी फिंगर कहते हैं वो है यहाँ पे। और ये देखिए पूरा वाइट स्पेस, देखिए पूरा ग्रीनरी, ऐसा लग रहा है कि पूरा खेत, और ये मतलब बहुत ही अच्छा फार्म हाउस वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारे घर से ना सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, और जावे तो डेली यहाँ पर शाम में चाय पीने के लिए आते हैं, यहाँ पर साइड में एक चाय का शॉप भी है, तो इवनिंग में यहाँ पर आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे चिल करने, चाय वगैरह पीने लोग आते हैं यहाँ पे, तो मस्त लग रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब नेचर को ना आप देख देख के थक नहीं सकते, आप कभी बोर नहीं हो सकते, नेचर इतना खूबसूरत चीज़ है ना, मतलब कुदरत इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आप कितना भी उसको देख लेंगे ना आप बोर नहीं हो सकते। अब ये जावेद जो है वो नीचे आ रहे हैं, तो मैंने ये वीडियो भी ले लिया था। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से बताइए, मतलब ग्रीनरी और नेचर जितना भी हम देखें ना, और कुदरत के जो करिश्मे हैं, कितना खूबसूरती से हर चीज़ को बनाया गया है, मतलब ना हम अपने, मतलब हमारे पास वर्ड्स भी नहीं होते, और हम उसको दोबारा से रिक्रिएट भी नहीं कर सकते। जो गॉड मेड चीज़ है ना, वो बस गॉड मेड ही होती है, उसको इंसान कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकता। और ये हैं जी मम्मी, मदर इन लॉ मेरी सासू माँ, और क्योंकि धूप बहुत थी ना इसीलिए वो अम्ब्रेला लिए हुए हैं। और यहाँ पर मिल गए थे मेरे कुछ सब्सक्राइबर, और ये हमारे घर के आसपास के ही लोग हैं, मैं तो खैर फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, और बहुत शर्मा रही थी वीडियो में आने के लिए। हमारे नेबर हैं ये कोलापुरम में, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चलिए आपको भी अपने व्लॉग में ले लेती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी उस चीज़ से। इनके भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी ये, और मिमी तो बच्चों को देख के ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बेबी बेबी करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और ये अम्मी उनसे बात कर रही थी, अम्मी को देखिए मतलब मेरी सासू माँ को देखिए पूरा चिल कर रही है गॉगल्स वॉगल्स लगा के, क्योंकि ना भाई बहुत ज़्यादा धूप थी। और ये जो व्लॉग है ना, ये अभी जो 2-3 दिन से तो केरला में बारिश है, उससे पहले का व्लॉग है ये, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, वो जो ड्राई वाली गर्मी होती है ना वो होती है। और ये मैं और मिमी की मस्ती चल रही है, मैं मिमी को ऐसे हवा में उछाल रही हूँ, थोड़ी सी रील बनेगी इसके, मैंने शॉर्ट्स डाले थे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे, है ना, तो वो बहुत अच्छे शॉर्ट्स
शॉर्ट्स, मतलब वो मेरे ना बहुत अच्छे रीच में गए थे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज. और मतलब इतने कम टाइम पे मेरे चैनल इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है, उसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया. और आप लोगों को किस तरह के वीडियोज़ पसंद है, ये वाला भी एक शॉर्ट मैंने डाला था, तो ये शॉर्ट भी बहुत पसंद किया था. इंस्टाग्राम में भी ये शॉर्ट बहुत हिट हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम में भी रील में ये डाला था, तो ये बहुत ज़्यादा हिट हुई थी ये वाली वीडियो. और आप लोगों को कैसी लग रही है ये व्लॉग, कैसा लग रहा है, और बाकी जितने व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं वो सब कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा. आप लोग देख लेते हैं फिर कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. और अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ. ये है मदर इन लॉ पूरा, मेरी जो सासू है पूरे कूल मूड में है, और हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे कि घर जाके नाश्ते में क्या बनेगा, लेकिन अब हमने बनाया नहीं था, हम लोग बाहर से कुछ खाएंगे अभी और इसके बाद. और ये हमारी जो नेबर्स थे वो थे, बहुत सारी फैमिलीज़ ना आकर जा भी चुकी थी, और इवनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है. हम मॉर्निंग आए थे क्योंकि हमें मॉर्निंग के कुछ शॉट्स लेने थे, वो जो फॉग ये सब है ना, तो वो मॉर्निंग का एक अलग ही मज़ा होता है. इवनिंग में बंदा थका हारा होता है, फिर भी इवनिंग का भी अपना एक मज़ा है, लेकिन मॉर्निंग का जो मज़ा होता है ना वो हमें, मतलब जो एक फॉग ये वाली जो चीज़ होती है, कोहरा ये सब, वो हमें इसमें कैप्चर करना था. हम फिर भी लेट हो गए थे, हमें और भी थोड़ा और जल्दी आते ना तो और अच्छे से फॉग मिलता. आपको मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा अभी भी, पीछे की तरफ ना एक फॉग है, और ये देखिए इसका वाइड व्यू कितना अच्छा लग रहा है. ऐसे लग रहा है हम किसी गाँव में, बल्कि गाँव तो है ही नहीं है, केरला की एक जगह है. और ये अम्मी के साथ मीमी है, अपनी दादी के साथ बहुत इंजॉय करती हैं, तो ये घूम रही थी अपनी दादी के साथ यहाँ पे. और बस एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया था इसका, क्योंकि मैंने बताया ना गर्मी बहुत है, तो बस बच्चा इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था ये, तो बस इसके बस थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे. और ये ऐसे फील हो रहा है मेरे पास, जब भी मैंने शॉर्ट्स डाले या फिर रील्स डाली थी ना इस वीडियो की, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे, बहुत सारे DMs ऐसे आ रहे थे कि ये ऊटी की जगह, ये कौन सी जगह है, ये भाई ये ऊटी नहीं है, ये केरला है. ऊटी का व्लॉग बनाऊँगी बहुत जल्दी, ऊटी जाऊँगी तो ऊटी का व्लॉग बनाऊँगी. बस ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से ऊटी, लेकिन मीमी के साथ ट्रैवल करना इट्स अ बिग टास्क. मीमी के साथ ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल है, और अभी तो बहुत वो चलने फिरने लगी तो ज़्यादा, मतलब ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई. और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, जैसे कैलेंडर एक इमेज नहीं होती, कैलेंडर में होते हैं. अरे यहाँ फोटो लेना. हाँ हाँ कुछ लाइम और ये उसी फील्ड के ना, उसी खेत के ऑपोजिट साइड अब हम जा रहे थे. हमें कुछ, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, कुछ आगे दिख रहा होगा जावे जा रहे हैं, उस तरफ एक शॉप है, वहाँ पे ऐसे नींबू पानी चाय इस टाइप की चीज़ें मिलती है. और ये मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ, अभी आगे जूम करूँगी. ये सारे ना लेडी फिंगर के पेड़ हैं, और इसमें अच्छे खासे लेडी फिंगर्स यानी कि जो भिंडी होती है ना वो लगी हुई थी. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, अभी मैं जूम करूँगी. और इसके नेक्स्ट ये जो ऐसे घास घास जैसी दिख रही है ना बड़ी, आपको ग्रास जैसी, ये पूरा वाटरमेलन का फील्ड है. ये देखिए मैंने जूम किया है, ये जो पड़े हैं ना ऐसे वाइट वाइट, ये सारे वाटरमेलन्स हैं यहाँ पे. और मतलब कितना प्यारा लग रहा था ना देखना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत की कितनी अच्छी चीज़ें होती है ना. और ये देखिए मैंने जूम किया ना, तो लेडी फिंगर्स आपको दिख रही होंगी इसमें लगी हुई. ये पूरी एक ऐसे लाइन है पूरी लेडी फिंगर की. और मतलब और भी थे, मैंने इतना शूट नहीं किया पूरा, बहुत बड़ा खेत है ये देखिए. और ये ना शाम का व्यू है, शाम में गाड़ियाँ देख रहे हैं आप पार्किंग में, कितने लोग आते हैं विजिट करने के लिए इवनिंग में. तो एक दिन, ये उस दिन का वीडियो नहीं था, एक दिन नेक्स्ट मैं शाम में गई थी, मैंने बताया ना मेरे घर से बस 10 मिनट के डिस्टेंस पर ही है, तो हम लोग शाम में एक दिन गए थे. और ये देखिए यहाँ से सनसेट दिखता है, ये पूरा खेत खेत है, और इतना ब्यूटीफुल व्यू होता है, शाम में इतने ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए. तो वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो. और मेरे चैनल पर इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के सामने मैं लेकर आती हूँ. और ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे बनी, मतलब ना मेले जैसा चल रहा था, जैसे मेला चलता है ना,
मतलब सेलिब्रेशन, जैसे बच्चे आ रहे थे और बलून वाला, इनका भी अच्छा बिजनेस हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए तो अट्रैक्शन होता है ये। और उस तरफ ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना हट जैसे, यहाँ पर कुछ जूसेस वगैरह और फ्रेश वाटरमेलन जो इस खेत में लगे थे वही काट काट कर बेच रहे थे, उन्हीं को ही फ्रेश बेचा जा रहा था। तो ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मेला चल रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था और शाम में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, मुझे बिल्कुल मिस मत करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ये मत करिएगा, और किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएंगे, तो मुझे मेरी एक हेल्प होगी तो मुझे फिर उसी टॉपिक पे बनाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। और देखिए शाम में वो हट वो खेत कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए इस वीडियो के साथ करती हूँ इस व्लॉग को एंड, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।